नमस्कार, मैं हूं शेफाली। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान के बीच सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुमत साबित करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शुक्रवार की शाम तक कमलनाथ अपना बहुमत सिद्ध करें। अदालत ने कमलनाथ को फ्लोर टेस्ट के आदेश देने से पहले कहा कि यह एक राज्य की समस्या नहीं है बल्कि पूरे देश की समस्या है। अदालत के इस फैसले के बाद कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश का सियासी बवाल अभी तक थमा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे दिन सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ को बहुमत साबित करने के आदेश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज सिंह चौहान ने अदालत से जल्द फ्लोर टेस्ट करवाने की गुहार लगाई थी। मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रम पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र फिर से बुलाया जाए। अदालत ने कहा कि कमलनाथ सरकार कल शाम 5 बजे तक बहुमत हासिल करे। सुप्रीम कोर्ट ने सदन की कार्रवाई का वीडियोग्राफी कराने का निर्देश भी जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 विधायकों पर विधानसभा में आने का कोई दबाव नहीं होगा। अदालत ने कहा कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक बागी विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। मध्य प्रदेश के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने मुकुल रोहतगी से पूछा कि जब सेशन चल रहा हो तब क्या राज्यपाल एजेंडा तय कर सकते हैं। इस पर रोहतगी ने कहा कि अदालत में जितने मामलों का उदाहरण दिया गया सब में सुप्रीम कोर्ट ने हाउस का एजेंडा तय किया था, आधी रात को सुनवाई करके भी किया था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि पहले विधायकों ने कहा था स्पीकर से मिलेंगे लेकिन वे नहीं मिले। इस पर मुकुल रोहतगी ने कहा कि अब वे नहीं मिलना चाहते। विधायक कह चुके हैं कि इस्तीफा स्वीकार हो नहीं तो हमें अयोग्य करार दें, हम हाउस में नहीं आएंगे। मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने 22 में से 6 इस्तीफे स्वीकार किए। सीएम ने भी फ्लोर टेस्ट की बात की। राज्यपाल ने भी स्थिति के आधार पर फैसला लिया। इसमें क्या विवाद है? उन्होंने कहा कि जब इन पर बनाई थी तो आधी रात को फ्लोर टेस्ट का आदेश मांग रहे थे, आज 2 हफ्ते का समय मांग रहे हैं। इस्तीफे पर फैसले का फ्लोर टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। यह लोग चाहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आए, 2-3 हफ्ता बस बहस चले। मध्य प्रदेश के सियासी घमासान पर कल शाम 5 बजे विराम लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने शाम 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट कराने के मुख्यमंत्री कमलनाथ को आदेश दिए हैं। क्या होगा कल, इस पर विस्तार से बात करेंगे हमारे एडिटर इन चीफ अनुराग उपाध्याय से। अनुराग जी, क्या मायने हैं कल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि इस समय बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है और बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि शिवराज सिंह ने जो याचिका दायर की थी उसके ऊपर फैसला आया है, तो बीजेपी के लिए प्रसन्नता का वक्त है। बीजेपी का ये कहना था कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए क्योंकि कमलनाथ के पास बहुमत नहीं है। कमलनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बहुमत विहीन हो गए हैं। तो फ्लोर टेस्ट में क्या होगा, ये बड़ा रोचक है कल का पूरा दिन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा साफ कहा है कि 5 बजे के पहले फ्लोर टेस्ट हो जाना चाहिए। तो 5 बजे के पहले तक अगर विधानसभा अध्यक्ष नर्मदा प्रसाद प्रजापति सुबह 10:30 बजे हाउस को बुलाते हैं और उसके बाद करते हैं तो दोपहर तक परिणाम आ जाएंगे। उसके बाद होता है दोपहर में करते हैं तो शाम तक आ जाएंगे। 4 बजे करते हैं, 5 बजे के पहले करना है। तो अब जो दौर है वो फिर वहीं आ गया कि 20 बॉल और 22 रन। तो अब बड़ा रोचक दौर में आ गया है। जो वनडे क्रिकेट का मजा है वो मध्य प्रदेश की राजनीति दे रही है। और कल का पूरा समय जब तक फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाएगा, मध्य प्रदेश के राजनेताओं की, विधायकों की, सबकी सांसें ऊपर नीचे होती रहेंगी और सबसे ज्यादा कमलनाथ जी की होंगी, क्योंकि संकट में कमलनाथ जी हैं, उनके पास खोने के लिए और शिवराज सिंह के पास पाने के लिए। संकट में कमलनाथ जी हैं और कमलनाथ जी की सांसें इसलिए भी कुछ ज्यादा ऊपर नीचे हो सकती है क्योंकि 16 विधायकों के ना आने और आने पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर कर दिया है कि कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता उनको आने के लिए। देखिए, राजनीति जो है वो तिक्रम वाली राजनीति रह गई शेफाली। उन्होंने क्या किया कि सिंधिया समर्थक 6 जो मंत्री थे इनको आउट कर दो तो इससे डर बैठेगा तो लोग लौट आएंगे। तो उन्होंने सिंधिया समर्थक 6 विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए। अदालत ने इस पे भी संज्ञान लिया। अदालत ने क्या, भाई 6 के लिए बाकी के नहीं लिए, कब तक आप करोगे, कब तक चाहते हो? तो उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि 1-2 हफ्ते में हो ही जाएगा, माने वो सिर्फ टालना चाहते थे चीज़ों को। अब ये है कि जो साफ साफ व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने कि बाकी के बचे हुए 16 विधायकों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, वो चाहें तो सदन में आए और वो चाहें तो सदन में नहीं आए, बहुत स्पष्ट है इससे। और वो लोग, आपने कल का पूरा अगर बेंगलोर का ड्रामा आपने देखा, आपने सबको दिखाया, दर्शकों को,
कि किस तरह से दिग्विजय सिंह पहुंचते हैं मंत्रियों के साथ में और वहां हंगामा करते हैं, सड़क पे बैठ जाते हैं, अनशन पे बैठ जाते हैं, सियासी ड्रामा। हाँ। भाई एक आदमी आपसे मिलना नहीं चाहता, मेरी आपसे मिलने की इच्छा नहीं है, मैं नहीं मिलूंगा, इसमें आपका दबाव थोड़ी है कि मैं आपसे मिल लूं, और वो आपके बागी विधायक हैं, आपको इतनी चिंता थी तो आप सवा साल उनकी चिंता कर लेते, दिग्विजय सिंह चिंता कर लेते, कमलनाथ उनकी चिंता कर लेते। सरकार ने अगर सवा साल इनकी चिंता की होती तो आज इतना रायता कम से कम नहीं फैला होता, जो शब्द चल रहा है रायता फैला। सर आपने ये नोटिस किया कि जो रायता फैला वाला शब्द है, कमलनाथ जी की तो नींदे उड़ा दिया, दिग्विजय की नींदे उड़ा दिया, लेकिन शिवराज जी बड़े आश्वस्त होकर क्रिकेट खेलते नजर आए हैं। देखिए दो दो चीजें थी कल, आप देखें कि पूरे प्रदेश में एक प्रायोजित प्रदर्शन हुए, कांग्रेस ने जगह जगह प्रदर्शन किए, बीजेपी दफ्तर में आप देखे पत्थर फेंके गए, अंदर घुस गए, उत्पात मचाया कांग्रेस के लोगों ने, ये स्वस्थ राजनीति की परंपरा नहीं है। तो एक तरफ पत्थर फेंक रहे थे, एक तरफ हंगामे कर रहे थे कांग्रेस के लोग, जिंदाबाद मुर्दाबाद गाली गलौज कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह क्या कर रहे थे, वो क्रिकेट खेल रहे थे अपने विधायकों के साथ, वो गाने गा रहे थे, गाने वो गा मस्ती थे, कर रहे थे, वो बैठ के कर रहे थे, गप्पें चल रही, चुटकुले चल रहे हैं। तो आप देखिए कि दो दृश्य थे, एक तरफ टेंशन, एक तरफ नो टेंशन। आप कुछ ऐसी आज दिन में बात कर रही थी आपने बुरे दिन में कि कहीं तनाव है कहीं तनाव नहीं है, तो वो दो दृश्य आप याद करिए कि शिवराज सिंह मस्ती में क्रिकेट खेल रहे हैं और कांग्रेस के लोग सड़कों पर हंगामे कर रहे हैं, तो उससे ये जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस अब बैकफुट पे है, कमलनाथ की सरकार बैकफुट पे है। कमलनाथ ने जो अनदेखी की, मतलब किसी एक वर्ग की नहीं, किसानों के साथ आपने कहा 2 लाख देंगे, अभी तक वो 2 लाख किसी भी एक भी किसान के पास नहीं पहुंच पाया। बेरोजगारों से वादा किया, वो नहीं हुआ। आप देखें कि कुछ लोगों के नियमितीकरण का मसला था अध्यापकों के, वो आज तक धरने पर बैठे हुए हैं। ऐसे छोटे छोटे कई मसले हैं, बड़े कई मसले हैं। उसके बाद आपने माफिया के नाम पर आम लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया, तो कुल मिला के कमलनाथ के खिलाफ माहौल था, विधायकों के काम हो नहीं रहे थे, कमलनाथ की जो एक कोटरी है वो किसी को घुसने नहीं देती थी, विधायकों की मंत्रियों की सुनवाई होती नहीं थी, तो वो जो धीरे 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 जो बैर था वो अचार की तरह हो गया और एकदम से वो विस्फोट हुआ और कमलनाथ समझ भी नहीं पाए। ऐसे में दिग्विजय सिंह ने जो आपने देखा हो दिल्ली भेजा अपने बेटे को, जयवर्धन सिंह को, जीतू पटवारी को, दूसरे मंत्री को भेजा, और जिनको पकड़ के लाए कथित तौर पर, उनका कहना था हम तो बंधक ही नहीं थे। तो अगर विधायक गए हैं तो सबसे बड़ी गलती आपकी है, आपकी अनदेखी से गए हैं। अनुराग जी से चर्चा के दौरान ये तो साफ समझ आता है कि कमलनाथ ने अगर सवा साल सरकार ठीक से चलाई होती, गलत फैसले ना किए होते, लोगों से ना मिलते तो कम से कम अपने मंत्रियों से तो मिल लिए होते, तो शायद शिवराज इतने आश्वस्त नहीं होते। खैर कल का दिन मध्य प्रदेश के सियासी घमासान पर विराम भी लगाएगा और बेहद रोमांचक होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।